हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आंबेर के किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। आंबेर का किला खुद में एक विस्तृत इतिहास समेटे है, उसी तरह इसके साथ कई आश्चर्यजनक तथ्य जुड़े हैं। जो लोग आंबेर के इस किले को घूमने जाते हैं, वो पर्यटक स्वयं विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उस समय भी भवनों के निर्माण करने की इस तरह की इंजीनियरिंग रही होगी। आइए जानते हैं आंबेर किले के कुछ जुड़े अमेजिंग रहस्य। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंबेर किले की छतों पर कई स्थानों पर सोने के पानी से पेंट किया गया है, जिस वजह से यहाँ की छत थोड़ी सी रोशनी पड़ने पर भी चमकती हैं। जब हम जलेबी चौक से आंबेर के किले में प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ एक मंदिर बना है जिसे शिला देवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 1980 तक राजाओं द्वारा पूजा किया जाता था। इसी समय तक यहाँ भैंस की बलि दी जाती थी, जिस प्रथा पर बाद में रोक लगा दी गई। जब राजा एवं अन्य प्रमुख लोग महल में प्रवेश करते थे, तो उनके स्वागत में ढोल बजाए जाते थे। आज भी वे ढोल आंबेर के किले में रखी हैं, जिन्होंने स्वागत ढोल कहा जाता है। यहां आकर इन ढोलों को देख सकते हैं। महल में स्थित दीवानी ए आम एक ऐसी जगह है जहां पर जनसाधारण लोगों का दरबार लगा करता था। यहां पर राजा प्रजा के लोगों की समस्या सुनकर उनका निर्माण किया करते थे। दीवानी ए आम में कई स्तंभों से मिलकर बना है, जो लाल बलुआ पत्थरों एवं संगमरमर से बने हैं। इन स्तंभों पर शीर्ष पर हाथी एवं नीचे कमल की आकृति बनी है। दीवानी ए खास का निर्माण राज्य के प्रमुख लोगों के विश्राम के लिए कराया गया था। इस महल की छतों पर दीदारों पर शीशे लगे हैं, जिन शीशों को बेल्जियम से मंगाया गया था। इस महल के सर्द महल भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में लैंप की रोशनी द्वारा छतों एवं दीवारों पर लगे शीशों को गर्म किया जाता था, जिससे पूरा कक्ष गर्म हो जाता था। इस महल में मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा बनी है, जहाँ पर 3 दरवाजे हैं। इन दरवाजों को रानियां युद्ध से लौट रहे राजाओं को देखा करती थी। इस महल के ऊपरी भाग को सुहाग मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केवल विवाहित महिला बैठ सकती थी। इस महल में 99 शौचालय हैं और सभी को एक ही तरीके से बनाया गया है। आंबेर किले में दीवार पर एक ऐसा फूल बना है, जिसमें जानवरों व पक्षियों को मिलाकर कुल 9 आकृतियां बनी हुई हैं। यह आकृतियां हैं तो सांप, भिक्षु, हाथी, खरगोश, केकड़ा, मछली, मधुमक्खी, तितली। पहले रानियां इतने गहने व कपड़े पहना करती थी कि उनको पहनकर पूरे महल में घूमना बहुत मुश्किल होता था। रानी के महल में घूमने के लिए व्हील चेयर बनाई गई थी, जिसमें बैठकर रानी पूरे महल का चक्कर लगाया करती थी। वह व्हील चेयर आज भी महल में मौजूद है, जिसे पर्यटक आज भी देख सकती हैं। किले में एक ठंडा कक्ष भी बनाया गया था, जिसे पानी के द्वारा खिड़कियों को ठंडा किया जाता था और उसी से पूरा कक्ष भी ठंडा रहता था। ठंड को अंदर ही रोके रहने के लिए खिड़कियों पर खसखस खास लगा देते थे, जिससे ठंडी हवा बाहर ना जा सकी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय।